जाना तो डिब्रूगढ़ उसके सिले घुमक्कल लोग जहाँ भी लेकर जाएंगे। और ये देखिए तीस्ता रिवर का देखिए पानी लेवल देखिए क्या गजब। फेवरेट बंगाल का हिल्सा फिश देखिए सामने देख रहे हैं। यानी ये मैं हूँ सिलीगुड़ी में, जाना था डिब्रूगढ़ पहुँच गया सिलीगुड़ी। मैं हूँ अभी एयर व्यू मोड, तो का नाम क्या है भाई, नाम होटल यूमा रेस्टोरेंट। यहाँ मैं पहले बहुत बार पहले ठहर चुका हूँ, ब्लॉगिंग जब मैं ब्लॉगिंग शुरू किया उसके पहले मैं सिलीगुड़ी आता तो यहाँ ठहरता था। और अच्छी होटल है, ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। रूम का टेरी बात बताओ, पहले आप रूम देख लो। साइड टेबल दिया हुआ है, मिरर है, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। हम ट्रैवलर को क्या चाहिए, एक साफ सुथरा बेड और एक साफ सुथरा वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। बाकी हम लोग बाहर ही रहते हैं, होटल में रहते कहाँ है। टेरिफ की बात करें तो ये रूम मुझे पड़ा है फ्लैट 600 में। सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि और आप हैं ट्रैवलर ऋषि पे। मुझे रहना चाहिए था डिब्रूगढ़ बट मैं हूँ सिलीगुड़ी। वो सामने लगी हुई है ब्लू कलर की अल्टो, ये अग्नि भाई आप पहचान गए डिब्रूगढ़ राजधानी में यही मिले थे। तो अग्नि भाई सब बढ़िया। तो क्वारंटाइन में थे कि नहीं थे, घर पे जाके क्वारंटाइन हो गए थे हम। घर पे जाके क्वारंटाइन हो गए थे बिल्कुल। अगर आप पहले के खाना खाने जाएंगे ना, मार्केट सब खुली हुई है, गाड़ियां भी चल रही है और सब चीज नॉर्मल हो चुका है। सिलीगुड़ी का एक कह सकते हैं मेजर अट्रैक्शन है कॉर्निशन ब्रिज, बहुत जबरदस्त है। सेवक बोलते हैं उसको। और देखते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहाँ जाएंगे, अदरवाइज लोग कोई और जगह चले जाएंगे, घुमक्कल लोग जहाँ चले जाएंगे। कल हम लोग आए थे न्यू जलपाईगुड़ी यानी सिलीगुड़ी, तो जबरदस्त भाई झमझम बारिश हो रही थी। मेरे सामने आप देख रहे होंगे उस माउंटेन का कुछ दिख रहा होगा, माउंटेन का व्यू, तो वो है कंचनजंगा माउंटेन। तो सोच रहे चलिए पहले सेवक रोड ट्राई कर लेते हैं, अगर सेवक रोड में अगर अच्छा खासा मतलब कॉर्निशन अगर मौका मिले तो कॉर्निशन ब्रिज दिखाएंगे आपको। बाकी आप देखें गजब का सिलीगुड़ी यार, माइंड में बच गया यार तू क्यों उधर उधर फान उन कर रहा है ऐसे उसे। क्या अल्टीमेट व्यू है भाई, सामने देख रहे हो कंचनजंगा माउंटेन के एकदम देखो चारों तरफ बादल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा नजदीक, मुझे लग रहा है नजदीक बट है दूर। तो मौका मिलेगा तो वहां का भी एक हम लोग टूर करेंगे। क्या गजब का व्यू है भाई, मन कर रहा है यहीं पे एक छोटा सा एक झोपड़ा बनाए और यहीं रह जाए। नहीं भाई, घर से मछली माछ भात लाएंगे, खाएंगे और यहीं पे समय बिताएंगे। लाओगे ना यार भाई, लाओगे ना माछ भात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई लव फिश करी विथ राइस, मुझे जबरदस्त लगता है। मैं बोला ना भाई क्या बोलता है, जैसे मैंने आपने ब्लॉग देखा होगा मेरा, कोलकाता मेरी जान, सही में मेरी जान है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग का प्यार बस आप बनाते रहिए, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सामने बंगाल सफारी खुला हुआ है। चलो हो सकता है मे भी अगर मैं कल का प्लान बनेगा तो कल यहाँ बंगाल सफारी का टूर पाऊंगा। माल बाजार 44 किलोमीटर, कालिम्पोंग 54 और गैंगटोक 104 किलोमीटर।
कॉरोनेशन ब्रिज ये नजदीक हम लोग आ चुके हैं। मुझे जल दो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। लैंडस्लाइड हो गया। और जैसा मेरे अग्नि भाई बोल रहे थे कि कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, तो पता नहीं यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई, हम लोग उतरते हैं और थोड़ा सा घूमेंगे, आगे देखते क्या पोजिशन है। आइए देखिए तीस्ता रिवर का, देखिए पानी लेवल देखिए क्या फ्लो हो रहा है, जबरदस्त। और यहाँ देखिए गाड़ियाँ लगी हुई लाइन से, और आगे लैंडस्लाइड हुआ है। बस गिर गया है? बस नहीं, ऊपर से अच्छा पहाड़ गिर गया। सोचा था कि कॉरोनेशन ब्रिज दिखाऊं, बट अब देख सकते हो कैसे लंबी जाम है, लैंडस्लाइड हुआ है, काम हो रहा है अभी। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो ट्रैफिक उधर जाएगा नहीं, और ये मे बी एक घंटा भी हो सकता है, दो घंटा भी हो सकता है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो तीस्ता रिवर। बंगाल में हो तो बंगाली थाली नहीं खाया तो क्या खाया भाई। सामने देख कोशे कोशा, तो आप समझ सकते हो कोरोना काल, अभी कोविड 19 जो पैनडेमिक है, तो अभी थोड़ा सा रेस्टोरेंट में रश नहीं है, वैसे बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। रेस्टोरेंट बहुत नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक, और ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। बैठने के पहले मैं ये देखो, ये पंखा याद है, ये पंखा रामबंगला में इस तरह का स्टाइल था। अच्छा, पुराने टाइम में अच्छा रामबंगला में इस तरह का स्टाइल होता था, तो पंखा की थीम के ऊपर सब कुछ अच्छा बना हुआ है ना। ये टोटल चीज आप देख सकते हैं, इधर भी देख लीजिए, हाँ ये भी टोकरी ओकरी सब टोकरी इस तरह का बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखो, बोलते हैं आप फिश कौन सा लेंगे? थाली तो ले लेंगे। हाँ फिश, फिश हिलचा लेंगे क्या? वो फेमस है बंगाल का, इलिश बोलते हैं, हिलचा फिश। एक प्लेट हिलचा ले लेते हैं। एक हिलचा, मैं तो फिश नहीं खाता। नहीं खाता? एक प्लेट में कितना रहता है? एक ही रहता है, एक प्लेट में एक ही, एक ही रहता है फुल। आप खा लीजिए। और एक मटन ले लेते, कसा मांस जो बोलते हैं। खाते हो? मटन में खाता हूँ। मटन खाते हो? हाँ, तो हाँ ठीक है। आप खाते हो ना मटन? नहीं मैं नहीं, मैं खाता हूँ तो मैं उतना नहीं खा पाऊंगा ना, थाली खत्म करने मुझे टाइम लगेगा। एक काम कर लेते, थाली ले लेते, एक थाली एक काम करते, थाली ले लेते दो, दो थाली लेते हैं, एक हिलचा फिश ले लेते और एक मटन। एक हिलचा फिश अलग से ऑर्डर दिया है और भाई ने एक मटन का अलग से ऑर्डर दिया है। बाकी बंगाली थाली में क्या क्या मिलता है दिखाता हूँ मैं आपको। और एक काम कर, स्टार्टर में आप ये खा लीजिए, भेट की चिंगड़ी मेल बंधन बहुत अच्छा। आप इन दो भेट की चिंगड़ी मेल बंधन कर दो, ठीक है, दो मेल बंधन। अच्छा, और भेज थाली की सब्जी दे दो। भेज थाली झिंगे आलू कुछ तो मोचार घंटो। अच्छा, आलू फुलकपी तरकारी। अच्छा, একটা কাজ করতে হবে, একটা ভেজ থালিতে একটা ইয়ে করে দাও, ফুলকপি করে দাও একটা, আর শুক্তো হবে কি? ভেজ থালি শুক্তো হবে, তো একটা শুক্তো আর ইয়ে করে, দুটো ভেজ থালি, দুটো ভেজ থালি, হ্যাঁ দুটো, যেটা বললাম মেলবন্ধন, আর হচ্ছে একটা কষা মাংস করে দাও, একটা কষা মাংস আর একটা ইলিশ করে দাও, ইলিশ ভাপা করে দাও। और हमारे पास स्टार्टर में आया है फिश और प्रॉन का, ये है, खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई। ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है इसका। भेटकी फिश एंड प्रॉन का बना हुआ है ये कटलेट। भाई गजब अल्टीमेट टेस्ट है भाई। एक बाइट और लेता हूँ, ऊपर मस्टर्ड सॉस के साथ ट्राई करते हैं। कैसा है ऋषि भाई? बहुत यार क्या बना, जबरदस्त जबरदस्त। आपको कैसा लगा? आप सही खा रहा हो? कोई नहीं कोई नहीं, मैं भी हाथ से खाऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त है, जितनी बार भी मैं इस रेस्टोरेंट पे आता हूँ स्टार्टर के लिए यही ऑर्डर करता हूँ। अच्छा। बहुत ही जबरदस्त, मतलब बोलते हैं ना सिग्नेचर डिश। सही में सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। सामने देख रहे हो जबरदस्त बंगाली थाली आ चुकी है, और राइस है, पापड़ है, और ये ड्राई आलू की भुजिया है,
आलू भाजी है और ये क्या है? पाइनएप्पल की चटनी, अनानास का। वाओ पाइनएप्पल चटनी यार, सही बोल रहा हूँ, लाइफ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, टेस्ट करूँगा कैसा है। ये स्वीट्स हो गया, रसगुल्ला जो बंगाली रसगुल्ला भाई भाई सभी जानते हैं। ये आलू गोभी का सब्जी। अच्छा आलू और गोभी है ना। ये दाल हो गया, प्लेन दाल। और ये मिक्स वेज, मिक्स वेज सुक्तो बोलते हैं। सुक्तो, सुक्तो इसमें, इसमें आपका ये ड्रम स्टिक रहता है। अच्छा और केला रहता है। अच्छा अच्छा। और ये बिटर गॉर्ड जो बोलता है करेला। अच्छा अच्छा। करेला रहता है। अच्छा अच्छा। और इसमें ये स्वीट पोटैटो भी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मिक्स वेज टेस्ट में मतलब थोड़ा स्पाइस स्वीटिश रहेगा, थोड़ा मीठा रहेगा। और ये अपना जो क्या नाम बताया था, हिल्सा। और ये अपना फेवरेट बंगाल का हिल्सा फिश, देखिए सामने देख रहे हैं। और ये कैसे स्पाइसी रहता है, कैसा रहता है? अच्छा ये सरसों की ग्रेवी बना हुआ है, ये सरसों दिख रहा है सामने ऊपर जो है ना। और ये हिल्सा फिश आप देख सकते हैं। और ये अगर मॉनसून सीजन में ये ज़्यादा मिलता है, वैसे मिलेगा आपको सालों में, लेकिन मॉनसून सीजन में ज़्यादा अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है ना हिल्सा फिश की। और ये सामने भाई का मटन, प्लेन मटन है, प्लेन मटन है, पुलाव है। और ये सब आइटम देख रहे हैं, ये बंगाली थाली में आपको मिल जाएगा ये। और ये एक्स्ट्रा हम लोग ने ऑर्डर दिया है, ये क्या बोलते हैं हिल्सा फिश और ये मटन। पहले हम लोग सुक्तो जो हम लोग जैसे मिक्स में बोलते हैं, तो इसके साथ थोड़ा राइस को ट्राई करते हैं। ये लिया सुक्तो, मूंग दाल थोड़ा ट्राई करते हैं इसको। इसको आप आलू भाजा के साथ ट्राई कर लीजिए। इसमें थोड़ा मूंग दाल डाल दिया, थोड़ा आलू भाजा, हम लोग इसमें आलू भाजा डालेंगे। और ये आपको ये जो आलू भाजा देख रहे हैं, आपको देवघर झारखंड में जाएंगे तो वहाँ के जो ये हर खाने में आपको आलू का ये सूखा हुआ भाजी मिलेगा। ये आपको झारखंड वेस्ट बंगाल आलू गोभी की सब्जी। थोड़ा सा दाल डाल लेते हैं, बहुत टेस्टी है सही में, घर का याद आ गया। जैसे लगता है घर में जो आलू गोभी की सब्जी बनती है एकदम वैसी सब्जी है, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं कुछ नहीं, आपको एकदम घर का खाना जैसे मैंने खाया आलू गोभी, एकदम घर का याद रहा देगा। बाकी ये पुलाव है, ये बंगाली थाली में आपको तो सुक्तो मिलेगा, दाल मिलेगा, आलू गोभी मिलेगा, ये पुलाव मिलेगा, और ये पाइनएप्पल की चटनी, और ये अपना बंगाल का फेवरेट रसगुल्ला समझते हैं ना, रसगुल्ला मिलेगा, बैंगन भाजा। रेड जल रहा है? हाँ रेड जल रहा है, रेड स्पॉट। हाँ हाँ जल रहा है। तो चलिए आए थे तो मैं मेन तो मेरा फिश का था कि फिश खाना है, और वो भी हिल्सा फिश, तो पहले हिल्सा फिश ट्राई करते हैं। और ये मैंने ग्रेवी ले लिया, और फिश देखो यार क्या फ्रेश है, आहा आहा गजब यार। इसे बोन रहता है, इसे काटा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा काटा रहता है, आटा बहुत रहता है। हाँ और एक चीज़ और ध्यान देना, हिल्सा फिश है इसमें काटे रहते हैं तो थोड़ा सा संभल के खाना, संभल के खाएगा लेकिन बहुत टेस्टी रहता है। चलो अभी टेस्ट बताता हूँ, भाई हिल्सा फिश गजब जबरदस्त अल्टीमेट टेस्ट है भाई। ग्रेवी भी अच्छा लगा है, देखो ऐसा ग्रेवी देखा है आपने, ग्रेवी अलग टाइप है, येलोइश ग्रेवी है। मैंने ये ग्रेवी बनता है सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से, इसलिए थोड़ा सा येलोइश टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन गजब है बहुत। हाँ हाँ
देखो फिर देखो कितना फ्रेश है, कितना फ्रेश है देखो। आलू भाजी डाल देते हैं, मजा आया। बाकी जो मेरा भी ऑर्डर सेम अग्नि भाई का सेम ऑर्डर है, बट अग्नि भाई कहते हैं फिश नहीं खाते हैं। यार बंगालियों के फिश नहीं खाते हो यार, ये गजब हाल है। बताओ भाई ने मटन का ऑर्डर दिया है, चलो मटन का टेस्ट, मटन का टेस्ट हम लेंगे रिव्यू अग्नि भाई से। कैसा है? बहुत बढ़िया, पहले भी खा चुका हूँ मैं इधर, बस हर बार आता हूँ, हर बार सेम टेस्ट। और एक भालू है, मटन खूब भालू, मटन खूब भालू। बहुत जबरदस्त खाना था, और चलते हैं होटल पे।